हमर बहन बेटा हर दारू पियले रहले हो दारू पियले रहले हन हमर राजुरिया गले बाबू एक ठोक लड़का बहु बाबू हमर तो दो छुरिया गले अब कहाँ रहता हो बाबू अब कहाँ रहता अब अब अरे पोर्था पियले रहले है बाबूआ बोलता हमार बाबूआ खत्म हो गए ले गए तो हमार बाबू क्या नाम था इनका संतोष संतोष बेटा का नाम अंजीत परसों पीले रहन एक बार उल्टी भइल बस अगले जात नहीं पड़ा तो ने उन्हें गाय भगवान कुछ कर हमने के जानो से गांव में जरा पिए थे हां गांव में पीना अच्छा पहले क्या हुआ उल्टी हुआ उसके बाद उल्टी खड़ी भइल बा और कह दिन मंगान और आंख से चेक कर देता और कुछ नहीं के लोग का हमरा अभी क्या बॉडी आ गया मर गया सब कहले जाए छोटका मोबाइल के ना अब क्या हो गया मतलब इनका बॉडी ला दिया गया है आना ले गनी लो चली तो सुमान कन गनी लो तो ओ जैसे का निकाल देनी लो तल गाछ फेंक देनी अच्छा अच्छा क्या नाम है इनका वहां के तो होए के नाम के में पकड़ी संतोष नाम है अब कैसे परिवार में गुजर बसर होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसी एगो लड़के हैं एक दो लड़के हैं बाबू आगे पीछे क्यों नहीं खे उनकरा कितने लोग गांव में मरे हैं अब तक ढेर लोग मोल मन के ना बताएं कितना लोग भी मरे कितना बताएं एगो पोरथा में गांव में अब तक अरे माने 20 नदी पुर जाई थर 20 आदमी मर गया है हां कितना लोग के इलाज चल रहा है अभी इलाज अब में कितना चलता बाबू हमें हम नहीं की गल हॉस्पिटल में बाबू दूर दू ठो हम लोग का घर के गर्जियन हम के पुरुख देवर बथतपुर हॉस्पिटल में है अच्छा अच्छा लोग मर गए अभी तो हाँ अभी लोगों ने मरल बाबू सह टोली में ढेरे लोग आपके घर प्रशासन क्यों रिपोर्ट करने में लगी जो कि अब तक 20 लाश का ही पुष्टि कर पाई है प्रशासन हमेशा रिपोर्टिंग गलत करता है चाहे कहीं भी हो मसरख का कांड हुआ था उसमें भी लिपापोती करने का काम किया गया यहाँ भी लिपापोती करने का काम किया जा रहा है ऑथेंटिक चीजों को नहीं बताया जा रहा है ऑथेंटिक चीजों पे वार नहीं किया जा रहा है अगर प्रशासन चौकस रहती तो यहाँ ऐसा घटना नहीं होता जबकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में जब से शराबबंदी है कई बार कई मरतबा ऐसा देखा अलग अलग जिलों में ऐसा ऐसी घटनाएं हो गई है बावजूद इसके प्रशासन चौकस नहीं है मौत से उन लोगों को क्या लेना देना है जिसका जान गया उसका जान जा रहा है आप क्या समझ रखे हैं कि बिहार को विधवाओं का राज्य बनाने का काम करेंगे क्या इस पे समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करके और कुछ कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए आप लोग इसको उठाइए क्षेत्र में कितने लोगों की मौत हो चुकी है आप लोग स्थानीय में भी हमारे पंचायत कौड़िया पंचायत में लगभग 15 से अधिक मौतें हुई हैं और पूरे भगवानपुर प्रखंड में ये 40 से अधिक है 50 का आंकड़ा छूने जा रहा है एसपी साहब ने 20 की पुष्टि की अभी थोड़ी देर में हम लोग के पास भी आंकड़ा है हम लोग भी दिखाने का काम करेंगे और जब लाशें आ रही हैं और जलाया जा रहा है कुछ लोग तो पहले ही जला दिए हैं कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे हैं वहां लोग मर जा रहे हैं तो ये पुष्टि सही आंकड़ा जमीनी धरातल पे आप आकर के कीजिएगा तो सही आंकड़ा आपको मिलेगा अभी लोग जा रहा है क्या 40 से 50 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 40 से 50 लोग की जाने चली गई हैं अभी लोग जाइए रहा है यहाँ क्या लगता है कौन लोग इसके जिम्मेदार हो सकते हैं शासन और प्रशासन को दोष देंगे और किसको हम दोष दे सकते हैं इसमें आम आदमी का क्या गलती है शासन प्रशासन चौकस रहता तो ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए था सुशील कुमार डब्लू जिला पार्षद है यहाँ से
अभी तो खारवा में दिखती है लिखल का चाहिए काम करे गईनी ओने पी लेनी त ओने घरे आईनी त सुई दवा करे के ले गईनी बाजार पर त बाजार पर से उहा के ले गईनी लो हॉस्पिटल में अब ओकरा बाद का भल हां लाश आइल ओकरा बाद केतना लोग गांव में पूरा मरल बा पांच लोग मरल बाटे पांच लोग कौन गांव हो खैरा मुसटोली मुसटोली में पांच आदमी हां पूरे पंचायत में लगभग पंचायत का हमनी के नहीं जाते हमनी अपने ओर के जाना था कितना लोग लगभग 20 आदमी के आसपास ना अब हम हमनी के पंचायत का हमनी अपना बताओ था ना किस कैसे क्या हो गया कैसे भाई क्या बोली रे बाप हमें राजू बता तन बता था पर से बता कैसे दिखावे के ले गई दिमाग चक्रियात रहे तो दिखावे के ले गई रे बाप हमें राजवा के दिखावे के ले गई रे दो दिन से चक्रियात रहे दिमाग रे दादा उनी दारू और पी ले ले रल रे बाप हमें राजवा के अब माने काम में गए रहो काम